पीछे हट गया। ये ऐसा लग रहा है जैसे डॉगी बंद करके ले जाते हैं पिंजरों में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज वाजवा स्लो। काफ़ी टाइम बाद बाहर निकल रहे हैं। लास्ट हमारा ट्रिप था वही तीर्थ संजीवी वैली का। आज काफ़ी टाइम बाद बड़ी गंदी धूप में बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली आज जा रहे हैं हम अपनी सिस्टर के घर जो है भिवाड़ी के आसपास। भिवाड़ी तो वहाँ से जा रहे हैं गुड़गांव के रास्ते से होते हुए, हम लोग मानेसर के रास्ते से होते हुए आगे जाएंगे भिवाड़ी। तुम बैठे थे, फोन आया, बातें बातें चल रही थी तो बोले कि चलो आ जाओ। हमने कहा ठीक है, हम तो खाली बैठे आ जाते, हमें क्या करना है। ओहो क्या हो गया। दिल्ली की सबसे सबसे प्यारी प्यारी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे ऑफिस है भाई साहब। इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर जगह है ना, और इतनी सुंदर सड़कें, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ ही आ गए। ये जो गया है ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। फ्लाइट कर फ्लाइट तो आने दो, उसको भी जाने दो, उसको भी कहीं जाना है। T1 पे लैंड हुई थी, T3 पे जा रही है। T3 सबसे बेस्ट है, T3 इंटरनेशनल है ना। हाँ सबसे बेस्ट भाई साहब, कोई देखने लायक तो है। T1 में तो ऐसे लगता है भैया जाके बस बैठ जाओ, छोड़ो जब तुम्हारी तो फिर डोमेस्टिक यार, देख अपने लोकल लोगों की वैल्यू नहीं होती। कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो होना चाहिए। लोकल लोगों की वैल्यू नहीं होती यार। T3 इंटरनेशनल है भैया, बाहर के लोग आते हैं पैसा खर्चते हैं, लोकल लोग वही चीज बाहर से ले लेंगे सस्ती, वहाँ पे क्यों महंगी लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लोथिंग की बात करूँ, यहाँ वहाँ पे कम से कम भी डेढ़ गुना रेट है। उसमें हमने आपको ठंडे पहाड़ दिखाए थे, अब हम आपको दिखाते हैं इंडिया की सबसे गर्म स्टेट के पहाड़, राजस्थान के पहाड़। यहाँ पे बर्फ तो नहीं मिलेगी लेकिन धूप के लपेड़े जरूर मिलेंगे। चमकता सूरज हमारे पेटों को गर्म कर रहा है, पेट भाई पे। कितनी गर्मी यार इस स्टेट में। फाइनली आफ्टर 2-2.5 घंटे के स्ट्रगल के बाद पहुंच तो गए। आई थिंक ये यही वाली सोसाइटी है। आई थिंक हम 1.5 साल बाद आए यहाँ पे। हाँ भाई, हाँ क्या करने आई है? पागल है क्या सौरभ? रोड पे क्या करने जा रही है? क्या कर रहे? ये बहन है मेरी, ये मुझे रोल खिलाने लाई है। रोल बता रहा है? क्या खिलाएगी बता, किसको बोल रहे हैं तू? पहले बता क्या खिलाएगी। मैं कौन? क्या खिलाएगी? है कौन? है कौन? जनता देख रही है तुझे। कौन सी जनता? तो जी 1-1.5 घंटा बैठने के बाद अब आ गए हैं कुछ खाने। यहाँ का कुछ फेमस रोल वोल है यार, रोल वोल खाते हैं, देखते हैं। लास्ट टाइम आया था ना तब मैं चिकन खाया था, अब चिकन विकन छोड़ रखा है, तो वेज ट्राई करते हैं, देखते हैं यार क्या खाते हैं। आओ आओ। तो लास्ट टाइम तो हमने खाया था यहाँ पे चिकन वाला खाया था, अब देखते हैं रोल का है। भाई रोल का मेन्यू का है, ये तो टिक्का हुआ है, रोल है सारे, ये तो मोमो है, रोल का मेन्यू का है। भीड़ बहुत है यार, सही भीड़ हो रही है ना यार। फेमस है यार रोल, अच्छा है। कौन सा अच्छा है दादा? कौन सा अच्छा है दादा? कौन सा रोल अच्छा है यहाँ का? मेरे को नहीं पता। कौन सा रोल खाना भाई? जो रोल अच्छा है वो खाना। चिकन खाओगे? खाते ही नहीं हम भाई। यहाँ से वो खाया था रोल, गलती से ले लिया चिल्ली वाला, धुएं निकाल दे भाई धुएं। मतलब मैंने इतने चिल्ली चाप रोल खाए, इतनी खाए हैं, बट इसका जो चिल्ली था ना भाई, मेरा कानों से धुआं आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, बट खाना खाने से पहले यहाँ पे ना एक जगह लगी हुई थी जहाँ पे ऐसी स्टॉल लगे थे, मेला टाइप से लगा होता, तो यहाँ पे सारे झूले झूलने के लिए, यहाँ पे ये जाइंट व्हील है, तो ये लोग गए सौरभ और कार्निक, ये दोनों गए हैं।
वो क्यों आई है, मामी क्यों आई है? ए छोटू मजा आ रहा है, मैंने जीजू को बोला आप भी चलो, कहते मेरा निकल जाएगा सारा बाहर। आगे ऊपर आ गए, सबसे ऊपर वो लाइट गई। थोड़े से चक्कर से आ रहा है। तो अभी घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए होटल हाईवे किंग। तो ये है यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए घूमते घामते, क्योंकि हमारा जल्दी खाना खाने का मन नहीं था, और जहाँ पे पार्क के साथ साथ ये ना शॉपिंग के लिए भी उन्होंने काफी अच्छा बना रखा है। इतना सारा क्राउड अपने घर के बाद यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। अंदर जाके देखते कि खाना कैसा है, तो आई थिंक ये नया खुला है ना। हाँ अच्छी जगह है, लाइटिंग बहुत ज्यादा है, मुझे तो लाइटिंग और ये वाला चीज काफी अच्छा लगा। वीडियो नहीं बनानी, सारे फैक्ट्री आउटलेट्स है, वीडियो नहीं बनानी है। हां चलो देखते हैं अंदर कैसा है। कितनी हरियाली है, बैग बैग्स नहीं लेने मेरा। लिफ्ट 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 तो यहाँ का मेन्यू कुछ ऐसा है, और जो हमने मंगाया है एज हमें भूख भी बहुत ज्यादा है, प्लस हम पराठे को छोड़ कुछ और ट्राई कर रहे हैं, तो हम ये जो किंग स्पेशल थाली है हम सारी ये ट्राई कर रहे हैं, और अगर उसके बाद हमें कुछ भूख और लगेगी तो हम इनमें से कुछ और मंगा लेंगे। बट अच्छा है, रेट भी सही है, और इन्वायरमेंट भी बहुत सही है, अच्छा है, और बाहर सारे वैसे भी टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा वो है, अच्छी है जगह। और जिस तरीके से वो दिख रहे हैं मुझे ये वाले प्रिंट से, मुझे ऐसा लगता है जैसे चुंबक जो ब्रांड होता है उसका है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, कलरफुल है, काफी काफी कलरफुल है ये जगह। तो हम लोगों का खाना आ गया है, जो हमने थाली मंगवाई थी उसमें ये है राइस, रायता, सैलेड, सैलेड में दो खीरे हैं और एक ये है, अच्छा एक टमाटर था, और ये शायद कड़ी है, ये भिंडी है, ये दाल है, ये कोफ्ता है, ये है पापड़ है, और उसके साथ ये नान और लच्छा पराठा है, तो ये सब है। और ये इससे एक देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता दे दे एक सैंडविच। देगा एक सैंडविच दे दूं? नहीं मना कर रहा यार, मना करता है। अगर आपने अपनी थाली खाओ चलो जी, खाना वाना निपट गया, थाली हो गया सामान ख़त्म, और पेट हो गया फुल, टन टन फुल हो गया। तो आप जा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर घर जाके सो गए। और इस रेस्टोरेंट में पता क्या है, पहली बारी मैंने देखा, पानी हम जैसे लेते हैं तो MRP से या तो ज़्यादा होता है या MRP होता है, ये MRP से कम है, 20 rupees ऑब्वियसली बोतल का रेट होता है, लेकिन ये 90 rupees। वैसे वैसे मेरा ये कलर कैसा लग रहा है टी शर्ट का? दो डांट देना, बैलून फोड़ने हैं तूने, कुछ करेगी देख, मैं मारूंगी अब जा।
वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्ट्री, ये जीत गई लड़की, सारे बैलून फोड़ दिए दो मिनट इसने। ये ना बढ़े कभी भी। एक सेकंड एक सेकंड, किस टाइप का दिखाना भैया? नहीं लगेगा भैया से मरवाना, भैया मार देंगे पक्का। भैया लोग तो एक्सपर्ट होते हैं। मारो जीजू, सोच रहे हो? ओए क्या बात भाई। अच्छा ठीक है, चार बॉल मिलेगी तो ये भाई तुमने भी जीता था पेंसिल। हां चार बॉल में टेडी, चार में टेडी तो कभी भी नहीं आएगा। तीन में ये दो में वो भी कभी नहीं आएगा। और एक और ठीक है, चलो फेंको। देखते हैं, जीजू ने वैसे बैलून फोड़ दिया था। टिन 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 टिन, फोटो खिंचवाने के लिए बोला होगा है ना, तभी तो भैया उतर गए। क्या चीज चला रहे? अच्छा चला रहे भैया, तुम फ्री में कितना काम करोगे? चल बैठ, आ जाओ जीजू, चलो चलाओ। चलो फाइनली सिमरन और राज को ट्रेन मिल गई। भैया चला रहे हैं, चला रहे हैं। बाबूजी का मन बदल गया तो पीछे से पकड़ के आ जाएंगे। अच्छा चुप बोले भैया चलाओ, भैया चलाओ, राज और सिमरन बैठ गए। पीछे बैठ गया जी, ऐसा लग रहा है जैसे डॉगी बंद करके ले जाते हैं पिंजरों में। मंटी बाय, बाय, चलो कल सुबह मिलेंगे। कल सुबह नहीं मिलेंगे। गाड़ी सो रहा बड़ा चला भाई। अरे बंद बंद कुत्ते कह रहे हो, खड़े भी नहीं हो सकते। धन्यवाद भैया। चलो जी आज इंजॉय हो गया हमारा बहुत सारा, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये भी किया, ट्रेन की सवारी की, ये सब किया। मैं तो बोल रही थी छैया छैया वाली रील बनाते रहिए थे, चलो 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 चलो। तो अभी हम बस यहाँ का हो गया और अब हम चलते हैं घर वापस और हम आराम से सो गए। और टाइम हो गया है 12:17, काफ़ी लेट हो गए। चलो जी चलते हैं घर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और ना भी पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कॉमेंट करो और मज़े करो। बाय।